हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। हमने जो कोएग्जीम्स का टॉपिक देखा था उसी की कंटिन्यूशन में हम दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं, इंटीग्रिन्स। ठीक है, इंटीग्रिन्स क्या है? ये ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स हैं दैट फैसिलिटेट सेल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एडिशन। हमने उनके लिए कोएग्जीम्स के लिए पढ़ा था कि वो गैप जंक्शन है, ट्रांस मेम्ब्रेन गैप जंक्शन बनाते हैं। और उसी तरह से इंटीग्रिन्स क्या है? ये ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर हैं जिनकी मदद से सेल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से अडहेयर होता है, जुड़ता है। ठीक है, दे एक्टिवेट सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। सिग्नल ट्रांसडक्शन आई होप आपको क्लियर होगा कि जब कोई मैसेज सेल के अंदर आता है तो अंदर होके वो न्यूक्लियस तक पहुंचता है, उस प्रोसेस को सिग्नल ट्रांसडक्शन कहते हैं। तो यदि रिसेप्टर नहीं हो, सेल की सतह पर अगर कोई रिसेप्टर नहीं होगा तो सेल के पेरिफेरी से आने वाला सिग्नल किस तरह से सेल के न्यूक्लियस तक पहुंचेगा, वो चीज बहुत मुश्किल हो जाएगी। रिसेप्टर मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो बाहर से आने वाले सिग्नल को रिसीव करने का काम करेगा, दैट इज नोन एज अ रिसेप्टर। ठीक है, तो रिसेप्टर जो है वो रिसीव होगा और रिसीव होकर आगे की तरफ सिग्नल ट्रांसडक्शन को ट्रांसफर करेगा। दे एक्टिवेट सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे दैट मेडिएट सेलुलर सिग्नल्स सच एज रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। और ये सेलुलर सिग्नल्स को मीडिएट करने का भी काम करते हैं इंटीग्रिन्स, जैसे कि सेल साइकिल का रेगुलेशन, इसको भी मीडिएट करने का ये काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइटोस्केलेटन एंड मूवमेंट ऑफ न्यू रिसेप्टर टू सेल मेम्ब्रेन। इसके अतिरिक्त ये साइटोस्केलेटन की संरचना, उसका ऑर्गेनाइजेशन करवाते हैं और नए रिसेप्टर को सेल मेम्ब्रेन तक लाने का भी काम करते हैं। ठीक है, इंटीग्रिन्स अलाउ रैपिड एंड फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्सेज टू इवेंट एट द सेल सरफेस। इंटीग्रिन्स जो है वो क्या करते हैं? सेल सरफेस के ऊपर जो रिस्पॉन्सेज हैं उसको तेज करते हैं और उसको फ्लेक्सिबल करते हैं, है ना। इंटीग्रिन्स क्या करते हैं? रैपिड और फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स करवाते हैं सेल सरफेस के ऊपर। यानी अगर आप खुद सोचिए, एक एग्जांपल सही, यदि आपके घर का पता कोई ढूंढ रहा हो और आपके घर तक पहुंचने के लिए उसको कोई पता बताने वाला नहीं मिले तो उसका आपके घर तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर उसे कोई पता दिखाने वाला, डायरेक्शन बताने वाला मिल जाए तो वो तुरंत आपके घर तक पहुंचेगा। तो वही काम यहां पर इंटीग्रिन्स करते हैं कि वो रैपिड एंड फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्सेज जनरेट कराते हैं और फटाफट से जो भी चीज सेल के बाहर से अंदर आ रही होती है उसको सही जगह तक पहुंचाने का ये काम करते हैं। अब अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटीग्रिन्स क्या है? ऑब्लिगेट हिट्रोडाइमर है, है ना। यानी ये दो यूनिट से मिलकर बने होते हैं, अल्फा और बीटा यूनिट। ठीक है, देयर इन मैमल्स हैव 18 अल्फा एंड बीटा सब यूनिट्स, और मैमल्स के अंदर 18 अल्फा और बीटा सब यूनिट्स होते हैं। इंटीग्रिन क्या है? ऑब्लिगेट हिट्रोडाइमर है। हिट्रोडाइमर किसको कहेंगे? जिसके अंदर की दो एस्पेक्ट्स अलग अलग है, एक अल्फा है और एक बीटा है। यदि ये अल्फा अल्फा के होते तो हम इन्हें कहते होमोडाइमर्स, बीटा बीटा के होते तो हम इन्हें कहते होमोडाइमर। लेकिन ये किसके हैं? अल्फा और बीटा का कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम इसे कहेंगे हेटरोडाइमर। ठीक है, तो ये जो हैं ये हेटरोडाइमर्स हैं, है ना। ये शॉर्ट, इनका यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका जो है वो क्या होता है? इनका स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो साइटोप्लाज्मिक डोमेन होता है इनका 40 से 70 अमीनो एसिड्स का, है ना। साइटोप्लाज्मिक डोमेन होता है नीचे की तरह, जो 40 से 70 अमीनो एसिड्स का बना हुआ होता है। मॉलिक्यूलर मास इनका 90 से 160 KDa का होता है। और ये सेल मेम्ब्रेन को क्या कर सकते हैं? क्रॉस कर सकते हैं। Cations are present in both alpha and beta subunit, where their role in alpha is unknown and in beta, but they play an important role in coordinating ligands. Cation present होते हैं alpha और beta दोनों ही subunit में। Cations का मतलब आप समझते होंगे, है ना, they are the positively charged ions, ठीक है। Cations are present in both alpha and beta subunit and their role in alpha is unknown, but in beta they play an important role in coordinating ligands. Beta वाले fragment में ये जो cations होते हैं ये ligand को coordinate करने में, ligand को जोड़ने का महत्वपूर्ण role play करते हैं, और alpha subunit में जो इनका role होता है वो unknown होता है। High resolution of integrin reveal that they are large complex
हाई रिजोल्यूशन इंटीग्रिन्स का जो रिजोल्यूशन है वो ये बताता है कि वो लार्ज कॉम्प्लेक्स हैं और वो शुगर ट्री से रिलेटेड होते हैं, है ना। इनका हाई रिजोल्यूशन स्ट्रक्चर ये बताता है कि वो लार्ज कॉम्प्लेक्स हैं और वो शुगर ट्री से जुड़े हुए होते हैं, लिंक्ड टू मैनी शुगर ट्रीज, है ना। देन इंटीग्रिन मॉलिक्यूल इज फोल्डेड इन एन इन्वर्टेड वी शेप दैट ब्रिंग्स लिगेंड बाइंडिंग साइट क्लोज टू द मेम्ब्रेन। और इंटीग्रिन मॉलिक्यूल यदि आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको डायग्राम काफ़ी कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन जैसा डायग्राम लगेगा। वी शेप का स्ट्रक्चर होता है जो कि फोल्डेड होता है ना, फोल्डेड होता है और लिगेंड साइड्स इसकी क्लोज आ जाती हैं मेम्ब्रेन तक, है ना, मेम्ब्रेन तक ये ले आता है। एक्टिवेशन ऑफ इंटीग्रिन, इंटीग्रिन का एक्टिवेशन कैसे होता है, व्हेन रिलीज इनटू मेम्ब्रेन न्यूली सिंथेसाइज इंटीग्रिन डाइमर्स एंड फाउंड टू बी इन द बेंट कॉन्फिग्रेशन। जब मेम्ब्रेन में रिलीज होते हैं तो जो इंटीग्रिन हेटरोडाइमर होता है वो कैसा मिलता है, मुड़ा हुआ मिलता है, बेंट फॉर्म में मिलता है, ठीक है। अब प्रोटीन कॉल्ड टैलिन बाइंड्स टू द बीटा सब यूनिट ऑफ इंटीग्रिन डाइमर एंड चेंजेस इट्स कन्फर्मेशन। एक प्रोटीन होता है टैलिन नाम का, जिसका काम होता है बीटा सब यूनिट से बाइंड करना और उसके कन्फर्मेशन को बदल देना, उसके कन्फर्मेशन में परिवर्तन लाना। टैलिन का नाम याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि ये किसको एक्टिवेट करता है और कहाँ बाइंड करता है, बीटा सब यूनिट से ये बाइंड करता है और इसको चेंज कर देता है। बाइंडिंग ऑफ टैलिन ऑल्टर्स टिल्ट ऑफ बीटा थ्री चेन ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स इन मॉडल सिस्टम विच लीड्स टू इनसाइड आउट सिग्नलिंग। जो बाइंडिंग है टैलिन की वो ऑल्टर कर देती है किसको, बीटा थ्री चेन को, ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स की जो बीटा थ्री चेन होती है, जैसे ही टैलिन बीटा चेन से जुड़ेगा जो बी थ्री चेन है उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव आ जाएगा, जिससे सिग्नलिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। रिसेप्टर है तो मुख्य भूमिका क्या होगी, सिग्नल करने की, सिग्नल ट्रांसडक्शन करने की, ठीक है। टैलिन प्रोटीन इज ऑल्सो नोन टू डाइमराइज विच लीड्स टू फोकल एडिशन। और टैलिन प्रोटीन क्या करता है, डाइमराइज करता है, जिससे कि फोकल एडिशन जो है वो बढ़ता है, माइक्रो मॉलिक्यूल असेंबली जो है वो बड़ी होती है, ठीक है। ऑल्सो प्रोटीन्स काइंडलिन वन एंड काइंडलिन टू आर नोन टू प्ले रोल इन इंटीग्रिन एक्टिवेशन। इसके अतिरिक्त जो प्रोटीन होते हैं काइंडलिन वन एंड काइंडलिन टू, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, इंटीग्रिन एक्टिवेशन में, ये इंटीग्रिन एक्टिवेशन का इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं, ठीक है। इंटीग्रिन्स प्ले इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब इसके यदि इसका ये आप डायग्राम देखिए, इसके डायग्राम में आप दो हेटरोडाइमर देख पा रहे हैं, अल्फा और बीटा यूनिट, इसके स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी। इमेजिन करिए, इसको कंपेयर करिए इम्यूनोग्लोबुलिन या टी सेल रिसेप्टर के स्ट्रक्चर के साथ। ऊपर का जो रीजन हेड पीस है, जिसको वहां हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, जो मेम्ब्रेन में ढसा हुआ रीजन होता है उसको हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन, और जो नीचे की टेल होती है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक टेल, है ना। तो पहला जो रीजन है वो हेड पीस, देन बीच का जो रीजन है वो टेल पीस, एंड देन जो बीच इसके नीचे का रीजन है वो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, और लास्ट में जो टेल निकल रही है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक टेल, ठीक है। अब इंटीग्रिन्स परफॉर्म मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं, दे हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर सेल मेम्ब्रेन। ये सेल का अटैचमेंट कराते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर सेल मेम्ब्रेन से, है ना। सिग्नल ट्रांसडक्शन में मददकारी होते हैं, और सिग्नल ट्रांसडक्शन के अलावा जैसे एक्स्ट्रावेसेशन या सेल सेल एडिशन या सेल माइग्रेशन, ऐसी जो एक्टिविटीज होती है इसमें ये मददकारी होते हैं। और ये दे वर्क ए सेंटर फॉर अटैचमेंट ऑफ ब्लड क्लॉट फाइब्रिन विद इन अ डेवलपिंग क्लॉट। जो ब्लड क्लॉट होता है फाइब्रिन, उसके अटैचमेंट में ये काम करते हैं। मॉलिक्यूल्स ड्रामेटिकली इंक्रीज इट्स बाइंडिंग एफिनिटी फॉर फाइब्रिन। ये किसी भी मॉलिक्यूल की जो बाइंडिंग एबिलिटी होती है फाइब्रिन या फाइब्रिनोजिन की जो बाइंडिंग एबिलिटी होती है, और उनका जो प्लेटलेट्स के साथ में एसोसिएशन होता है उसको बढ़ाते हैं फाइब्रिन। अगर आपको ध्यान हो तो जो ब्लड क्लॉटिंग की रिएक्शन जो दो पाथवे पड़ते हैं, इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक पाथवे,
जो ब्लड हमारा जो ब्लड निकलता है उसके बाद जो निकलना बंद होता है कि येलोइश फ्लूइड एंड में निकलता है, जिससे कि ब्लड निकलना चोट लगने के बाद हमें बंद होता है, वो फाइब्रिन की फॉर्मेशन के कारण ही होता है। ये पूरा का पूरा इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक पाथवे आप ब्लड फैक्टर्स पढ़ें या ह्यूमन फिजियोलॉजी में ब्लड पढ़ें तो उसमें पढ़ाया जाता है। तो ये जो इंटीग्रिन्स हैं ये एक अटैचमेंट सेंटर की तरह काम करते हैं, ब्लड क्लॉट जो रहता है वो इनसे अटैच होता है और फाइब्रिन डेवलप करता है इंटीग्रिन्स के अंदर। इन मॉलिक्यूल ड्रामेटिकली इंक्रीज इट्स बाइंडिंग एबिलिटी, और इनकी मदद से फाइब्रिन और फाइब्रिनोजिन की जो बाइंडिंग एबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। इंटीग्रिन्स ऑल्सो वर्क इन सेल माइग्रेशन, ये सेल माइग्रेशन में काम करते हैं बाय एडहेरिंग टू अ सबस्ट्रेट थ्रू देयर इंटीग्रिन्स। मतलब ये इंटीग्रिन्स जो हैं ये किसी भी सबस्ट्रेट से जुड़कर सेल से मतलब अगर किसी सबस्ट्रेट को सेल के बाहर ले जाना है या किसी सबस्ट्रेट को सेल के अंदर लाना है तो उसमें भी इंटीग्रिन काम करेंगे, नेचुरली करेंगे क्योंकि वो रिसेप्टर है। तो उनका काम क्या है, किसी भी चीज़ को सेल से बाहर लेके जाना और सेल के अंदर लेकर आना। ठीक है, दी इंटीग्रिन्स हैव रेगुलेटरी इंपैक्ट वाया विच सेल एक्सपीरियंस इज सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ, सेल डिविजन, सेल सर्वाइवल, सेल डिफ्रेंसिएशन और अपोप्टोसिस, ये सब कराने में भी इंटीग्रिन्स का क्या है, इंपॉर्टेंट रोल है। दे हैव इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूरो जनरेशन, जो न्यूरोन है उसका रिजनरेशन कराने में, या पेरिफेरस नर्वस सिस्टम जो है उसमें अगर इंजरी हो जाए तो उसका रिजनरेशन कराने में इंटीग्रिन्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। अब इंटीग्रिन्स जो हैं वो तीन तरह के होते हैं, लो एफिनिटी, इंटरमीडिएट एफिनिटी और हाई एफिनिटी, है ना। अब देखो ये जिस तरह से ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं तो इसमें आपको इंटीग्रिन का स्ट्रक्चर भी पूरा समझ में आएगा, बिल्कुल सिमिलर है ये जो टी सेल रिसेप्टर का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं वैसा ही स्ट्रक्चर है, कैसे ये मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं आज रिसेप्टर और कैसे ये काम कर रहे हैं वो इनका पूरा स्ट्रक्चर आप यहाँ देख पाएंगे। वर्टिब्रेट इंटीग्रिन 16 to 24 होते हैं वर्टिब्रेट इंटीग्रिन, जिसमें α2β1, α1β1, α3β1, α4β1, α5β1 एंड α6β1, α7β1 एंड α7β2 इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो ये हुई इंटीग्रिन्स की बात। अब जैसे वो गैप जंक्शन के वो थे, गैप जंक्शन बना रहे थे कोएक्सिन्स, इंटीग्रिन्स बेसिकली क्या हैं, वो रिसेप्टर्स हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं और सेल ट्रांसडक्शन से लेके सेल माइग्रेशन, सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन सब में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये इंटीग्रिन्स का टॉपिक था, होप आपको समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।